तो दोस्तों देखिए, पता नहीं क्या है, रात के 11 बजे तामा झामा सब फैलाई हुई है, मार इंची टेप लेकर के नापे जा रही हैं। आज ये अपना लग रहा है टेलर गिरी दिखाएंगी। तो फाइनली कपड़ा वपड़ा भी दिख रहा है, तो लग रहा है कि कपड़ा आज कटेगा और कल सिला जाएगा। ओ माई गॉड, मेरा कहा हुआ तो सच हो गया भाई। का बनाएंगे दीदी इसका? क्या बनाएंगे इसका? ब्लाउज ए, थोड़ा आपको सिलना आता है? आपको सिलना आता है, काटना? तो बहुत दोस्तों देखिए, जितना भी ब्लाउज ये पहनती हैं, मेरे ख्याल से लग रहा है खुद का ही सिला हुआ पहनती हैं। बहुत बचत करती हैं ये। बहुत ही ज़्यादा। तो अभी देखिए कुछ काम बाकी है इनका। तो देखिए, अभी जो है सब नापा जोखी कर रही हैं। वैसे तो मुझे सिलाई के बारे में ज़्यादा पता है नहीं, मगर दीदी एक्सपर्ट है इस मामले में। सिलाई सीखने नहीं की और मुंह दीदी नहीं अपना जो है कमर नाप रही हैं कि शायद कंधा, और बहुत अच्छा। दीदी लंबाई नाप रहे हैं। लंबाई ऐसे नापा जाता है, देखिए अच्छा। हमारा तो लगता है ऐसे 19 हो गया। चौड़ाई है किस चीज़ का चौड़ाई? ये जो नीचे कमर वाला? हाँ कमर वाला, तो एक तरफ से ये 19 है, तो 19 को चप्पल दिए तो 9 9 19 हो गया, 9.5। और लंबाई देखिए, ये लंबाई अब ले रहे नौ हैं। दुनी 18 1 19। हाँ अब लंबाई ले रहे हैं, रुक जाइए आप लोग को दिखा रहे हैं। अपने से ही सी लेंगे। हाँ तो आप बोलते रहे कि कब क्या लंबाई क्या ले रही हैं, ठीक है? ठीक, तो देखिए ये लंबाई है जो कि 13 पे रोकेंगे, थोड़ा लंबा रहेगा, दिखा दीजिए। दिख रहा है। ये 13 पर मैंने सिलाएगा, यहाँ तक ले रहेगा, और इसको हम लेंगे 15। ठीक, काहे लिए कि ये सब सिलने में और कपड़ा लगेगा ना। आ जाएगा। तो इसको क्या किया जाए कि इसे धर के फोल्ड होल्ड कर दिया जाएगा। किया जाए, न इधर न उधर। ठीक, देखिए, और इसी का बाजार में 200 250 रुपया लगेगा सिलने में, सिलवाने में नहीं लगेगा। तो लग ही जाएगा। हमारा पास तो टाइम नहीं रहता है, पर क्या कर, सिलना पड़ता है। और एक तो मन लक रहेगा नहीं, कपड़ा सिलाएगा नहीं। एक बार हम 3 ब्लाउज दिए थे। दोस्तों, मन लायक सिलने का मतलब है जिसको नहीं गुण रहता है तो उसके लिए जो टेलर सिल देते हैं वही अच्छा है, और जिसको थोड़ी बहुत बुद्धि आ जाती है वो अपने आप को गुरु बन जाते हैं ना। तो उन्हीं में से एक ही है कि इनको थोड़ी बुद्धि होती है, गुरु है अपने आप में, तो इसलिए इनको नहीं टेलरों का किया गया काम मन को नहीं भाता होगा। भाता है, एकदम बिल्कुल नहीं भाता। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ से अब हम एक कपड़ा बर्बाद कर रही हैं। काट दिए जो कि हो गया। ठीक, और इसमें से बाहीं काटा जाएगा। और देखिए इसको काट दिए। तो देखिए ये बाजू कटा गया, देख लीजिए ऐसे। और जिनको भी गला काटना है भी, तो यहाँ से अपने हाँ हिसाब से काट सकते हैं। जैसे अपने हिसाब से ऐसे 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 10 बजे रात को देखिए सिलाई शुरू हुई। तो कैंची उठा लिए, तो देखिए अपना कपड़ा है, बिगड़े चाहे बंद। किसी का डर नहीं है। हाँ ना दीदी, अपना कपड़ा है, बिगड़े अच्छा है बने वो ने, कौन सा डर लगा है। देखिए पीछे आगे का सब क्लियर हो गया है। हाँ एक ही बार में। तो देखिए अब इसको क्या किया जाए। आप लोग जरूर देखिए सिलाई सेंटर चालू है। बताओ कि देखो यहाँ से तब थाक के ना बताया जाता है जी। बोलती नहीं है। कैंचिया अब जब जीजा कैंचिया हमें नहीं पता हम का बताए उसमें। कैंचिया कहाँ चलाई ये बताए ना। चलो तो हट। तो अभी दीदी जो है गला कटिंग कर रही हैं। कटा गया, देखिए पीछे का है, देखिए अब मस्त लग रहा कर है। दिए पीछे का। और जितना हिसाब से गहर करना है गला, गहरा कर सकते हैं। अपनी तरफ से अब जितना लंबाई चौड़ाई करना है करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रुकिए, हमको थोड़ा दिक्कत लगा है, अब हम भी बना दें। देखिए तो देखिए ये पीछे का गला है,
तो दीदी बहुत अच्छा सिलाई करती हैं, जितना भी ये ब्लाउज पहनती हैं आप लोग देखे होंगे, सब यही सिल के पहनती हैं अपने आप खुद से, और बहुत मस्त ब्लाउज बनाती हैं। इनका सिला हुआ ब्लाउज जो अभी हम गाने पहनते हैं, इन्हीं का ब्लाउज पहनते हैं, तो इसीलिए बता रहे हैं। और सोचिए, सिलाई, कॉमेडी, ब्लॉगिंग, बच्चे को संभालना, घर संभालना, उसी में जबान कुछ का ठीक तरह चलाते रहना, सब ऑल इन वन सब चला रही हैं दीदी एक साथ। है कोई झांसी की रानी? खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी है ये। तो ये आगे वाला है, पीछे का हो गया। हाँ ठीक, उसको फेंक दीजिए बगल। नहीं देखिए, और भूल गए तो यहाँ से धोके नाप लें, एक बार और रहेगा तो कंधा। कंधा तो देखिए, एक कंधा है। एक मिनट जीजे कह के तुम मनवा बहकावत हो सलक। अच्छा तो क्या दीदी, आगे का गला है उधर ये खटखटा रहे हैं, आए थे ऐसे ही हमको पुलिकाती रहते हैं, बंद था तो घर निकल लिए हैं। उनका कोई हो दीदी? देखिए यही टेलर है कि इनका इंची टेप वो खो जाता है। कहाँ से हो ये लोग? घर भैया की आधा भैया? हाँ यहाँ हाफ बनावा, कंधा के नीचवा लेता नहीं है जले। हाँ ना अच्छा लगी ना? ओम्बे ना पहन तो कुल मेर का पहने के चाहिए, एक का मेर रट्टा ना मारे चाहिए दीदी। आस्तीन वाह। तो दोस्तों ये आस्तीन कटिंग कर रहे हैं दीदी, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कटिंग कर लीजिए, क्योंकि ये टेलर बता नहीं रहा है कितना लेना है। ठीक, अपना बाह नापिए और अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। जितना लंबाई है जीजा, ये टेलर कहाँ मिली तो दोस्तों हम वीडियो बना रहे, इधर जीजा इनका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों दीदी सीखी नहीं है, ये सब दिमाग की देन है कि अपना बेचारी अपने मन किताब से अपना सिल लेती है। हाँ बहन हो लागी ना हो जाये ना, ये तो कपड़ा बाटे और का ऐसे करके ऐसे चपटा जाएगा ना। हाँ ठीक। हाँ लेकिन हो जाए के चाहिए दीदी कट के कुल। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर ब्लाउज संपूर्ण रूप से पूर्ण हो चुका है, अब लेस लग जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ, तो देखिए इधर पिछवाड़े का है पीछे वाला हिस्सा, इधर आगे वाला हिस्सा। तो देखिए इधर आस्तीन, हाफ आस्तीन बनाएंगे दीदी, जो कि तीन कितने इंच काटी है? चार इंच कट की है। और ये सब ये नहीं बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे। और ये पीछे का हिस्सा है, ये वाला पीछे का, क्योंकि इसका गला बड़ा काटी है, और वाला आगे का हिस्सा है। खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हमारा बोलने का मन नहीं कर रहा है, सच बात बताऊं तो। हाँ, और देखिए ये साड़ी में जो लेस मिला हुआ था, इसी को लगाना है आस्तीन पे, क्योंकि बहुत ही प्यारा है, और साड़ी भी बहुत महंगा है, तो ब्लाउज खराब नहीं होना चाहिए, वरना। हाँ चलिए, ये तो हो गया, ये बाजू है, ये पीछे का गला है, और मैंने और ये आगे वाला है। हाँ ठीक। और बाजा बड़ा बाजू मांगेगा तो इसमें से कट के लगा दिया जाएगा, कपड़ा तो बचा हुआ है, कट के लगा दिया जाएगा डिजाइन दार। काट के रख ला दीदी, 10 दिन का आप बनाओ, 10 दिन फूल है कि नहीं दोस्तों? तू लो भैया पील के डाला और गाओ कि 10 दिन हाफ पहनो 10 दिन फूल, ये वही पर का स्तर है। बड़ा मैचिंग बाटे दोस्तों, मैचिंग स्तर बहुत मुश्किल से मिला। अरे दोस्तों ये मैचिंग स्तर बहुत मुश्किल से मिला, पूरा बक्सा ढूंढने के बाद। अरे राम दीदी बात समझिए मेरा, क्या बात है, ये स्तर हम ढूंढे थे ब्लैक तो नहीं मिला, तो इमरजेंसी वाला था काम, तो सोचे वो चल जाए अंदर कि अंदर का एक तो काम है। हाँ। तो सोचे कि अब लिए ले, ये ले ना दीदी। हाँ। का जरूरत है मने अब घर बाजार ढूंढवाना सबको। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत करती हैं, और दिन भर काम काज के बाद जो है रात में 11:30 बजे कटिंग कर रही हैं, इसके बाद सिलना और सब करना, आप लोग समझ सकती हैं। स्पेशली जो महिलाएं वीडियो को देख रही हैं, वो लोग फुल सपोर्ट करें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। बाकी आप लोग तो साथ हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है,
तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।